मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। गणेश जी, मैं रूपा हूँ, चौधरी जी की बेटी। आप तो पहचानते होंगे। गणेश जी, वो है ना मीना, मीनाक्षी हमारे पड़ोस में रहती है। उसे देखने के लिए 7-8 लड़के आ चुके हैं, पर अभी तक उसका वर तय नहीं हुआ। गांव वाले कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं उसके लिए। आपको तो पता ही होगा, मुझे भी कल एक लड़का देखने आ रहा है। आप कुछ कर सकते हो? ऐसा कुछ कर दो कि पहली बार में ही पसंद कर ले, मेरी बात पक्की हो जाए। हाँ, गोल गोल बात बोल, दिल का हमसे भेद खोल, मिल जाए तो राजी, ना मिले तो पाजी। गणेश जी, आप बहुत अच्छे हो, आप तो बस भगवान हो। अबे किधर जा रहे है? इधर आ, इधर आ, इधर आ, जरा जम के खड़ा हो जा इधर, समझा? मैं कब से देख रहा हूँ, वो दिए जा रहे हैं तू लिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं तू लिए जा रहे हैं, जरा इधर आ, इधर जम के खड़ा हो जा। हम तो बनिए के हैं पहलवान, लेते ही लेते हैं, वापस नहीं करते, गाली भी मिले तो गिरी भी रख लेते हैं। चल घूम जा, अब ये भी रख ले अपनी तिजोरी में। रख लूंगा। गुरुजी, जरा सुनिए। क्या है? ये लौंडे फीस नहीं दे रहे हैं। क्या? यहाँ तो जूडो कराटे कुंग फू सब सिखाने का बोर्ड लगा रखा है, और सिखाते सिर्फ लाठी कुश्ती हो। अबे आधे भूतनी के नीचे आ, आजा आजा। तो ये पूरे भूतनी के समझते हैं कि मैं उन्हें उल्लू बना रहा हूँ। अब सुन, अगर किसी को जूडो कह के घूसा मारा जाए, हा? या किसी को कंग फू कह के मारा जाए, या किसी को कुमा की कोई गाली दे के मारा जाए, हा? तो असर तो एक ही होता है ना, हा? जिसको पड़ती है वो तो एक करके गिर, हा? जाता है, गिरता है ना। चल ये जाके सिखा दे उनको। अच्छा? चल। लेकिन गुरुजी, कराटे और चीनी फाइट। कराटे लड़ने वाले लड़ने से पहले कहते हैं अय्याऊ। चीनी फाइट वाले लड़ने से पहले मालूम नहीं क्या कहते हो। चबे Thank you.
मुखिया जी ने बुलवा भेजा था आपको। क्यों? किसी की जमीन का बंटवारा आ पड़ा है, चाहते थे कि आप आके फैसला करें। खुद भी तो करें कुछ, हर काम के लिए मुझे बुलवा भेजते हैं। कहाँ लेके क्या जगह है? बुआ जी क्या? बुआ कौन? सीता बहन मेरी? जी हाँ। वहां क्यों भेजी थी? का है? जी, चार पांच बार को अस्पताल भेजी थी इंजेक्शन लगवाने, पर कुछ हुआ ही नहीं, फिर सूखी की सूखी। आपकी बहन के यहाँ एक नया सांड आया है, कितनी गाय हरी हो गई हैं। सांड आया है या हमारे जीजा जी ने अब ये काम भी शुरू कर दिया है? अगर कुछ उनका बस चले वो तो। जो मुंह में आता है बोलता रहता है। मैं पूछता हूँ, जरूरत क्या थी उस बेईमान के घर जाने की? याद नहीं, सीता के दहेज में दिए हुए कड़े सुनार के पास ले गया था परखवाने। असली सोने के हैं, पीतल के हैं या सिर्फ पानी चढ़ा है? बस भी कर, सारी जिंदगी यही दुश्मनी लेकर बैठा रहेगा उससे? जरा जरा सी तनक अपनी छोड़ता क्यों नहीं? बेईमान लोगों से कोई रिश्ता नहीं है मेरा। ए, ले जा गाय और उसी के खूंटे पे बांधा जिसने हरी की है, चले जा। ये क्या करते हैं, इतनी सी बात के लिए उसे गाय दे देंगे आप? खड़ा मुंह क्या देख रहा है, ले जा कहा ना तुझे। मन्ने की मिश्री की डली का बाल क्या, टमाटर टमाटर, अरे मन्ने का गुदगुदी हो रहे। तुझे नहीं पता, जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता इस मनहूस की परछाई नहीं चाहिए इस घर में। गणेश जी, मेरा हाल मीनाक्षी जैसा मत करना, उसके मन में ऐसी भावना जगा दो कि देखते ही मुझे पसंद कर ले। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए आइए। वो बैठ रही, वो देखना। फुल पैंट पहन कर आया है, जरूर पढ़ा लिखा होगा। हाँ,
अरे साहब 5 साल मैट्रिक में पढ़ा है। वाह दम चाहिए साहब, लोग बाग तो एक ही साल में क्लास बदल लेते हैं। हाँ जी वो तो 5 साल और पढ़ना चाहता था। मैट्रिक में? हाँ जी मैट्रिक में। पढ़ाई की बात छोड़ो ना, वही तो किया मैंने, मैट्रिक की आदत पड़ गई तो बुढ़ापे में तकलीफ होगी। भगवान का दिया जमीन जायदाद सब कुछ है, क्या जरूरत है आगे पढ़ने की। भाई ये सब तो कह रहे हैं तुम 5 साल मैट्रिक में पढ़ते रहे, पर असल में तो फेल हुए थे ना, पास हुए थे ना। लड़कियों ये भीड़ क्यों लगा रखी है? लड़का आया है रूपा को देखने के लिए। कौन सा लड़का? राजपुरा से आया है, लड़का बहुत ही अच्छा है। जरा मैं भी तो देखूं। अच्छा तो है, देखने भालने में भी अच्छा है, क्या तिलक लगा रखा है। चाची जी बुद्धि से भी अच्छा है, अपनी रूपा के लिए बड़ा अच्छा है। वो कौन है सरवाला? कोई और सरवाला नहीं मिला? ये दप्पू जन्मा कहाँ से उठा लाया? शकल से तो लंगूर दिखता है, देख कैसा देख लिया चोर उठा के सर का, क्या जरूरत थी इसे उठे गिरे को लाने की? गलती होगी चाची जी, अगली बार नहीं लाऊंगा। अच्छा अच्छा तू चल बाहर जा और ट्रैक्टर पे जाके बैठ जा, ट्रैक्टर भी नहीं कली के नुक्कड़ पे जाके खड़े हो जा। लेकिन भैया मैं पहले लड़की तो देख लूं। यही तो मैं नहीं चाहता, तू निकल यहां से। लेकिन भैया कली के नुक्कड़ पे भी नहीं, तू राजपुरा ही चला जा। मेरे पास बस के पैसे नहीं है। तू चल के जा, बहुत दूर है। तू दौड़ के जा भैया। तू जाता कि नहीं यहां से? नमस्ते। नमस्ते, आप ही दूल्हा हो? हाँ, इसलिए तो मोंटो को भेज दिया मैंने। माँ ने कहा था आप लड़की देखने आए हो। हाँ? इसलिए नया फ्रॉक डाला है, अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पीले रंग का होता ना तो और भी अच्छा होता। मेरे माथे की बिंदी कैसी है? बिंदी तो अच्छी है, पर तिलक जैसा लंबा टीका होता ना तो और भी अच्छा लगता। अच्छा लगने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? चड्डी पहननी चाहिए। बिटिया से कहो कि चाय पानी लेके आए मेहमानों के लिए। मुंह क्या देख रही हो? हटाओ इस बकरे को। कर दिया ना जमीला, देख कर नहीं चल सकती थी क्या? मैं क्या करती, पांव अटक गया था साड़ी में। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अरे अच्छा अब तू चाय लेकर जा। हा? मैं नहीं जाऊंगी। अब रोती रहेगी तो दूल्हा चला जाएगा। गणेश जी का नाम ले और आगे बढ़। चाय देते वक्त कुछ बात भी करना, वरना वो समझेंगे गूंगी है। हाँ, क्या बात करूं? कुछ भी कहना, चाय पी लीजिए ठंडी हो जाएगी। हाँ, तुम भी चलो ना मेरे साथ। अरे अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या करोगी, दादी को साथ ले जाओगी? है? चलो चलो, बहुत अच्छी लड़की। चाचा नहीं बेटी, ये तुम्हारे ससुर हैं, बापू कहो। लड़की हकलाती है क्या? नहीं नहीं मैं हकलाती नहीं, मेरा मतलब है चाय ठंडी हो जाएगी जल्दी पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी जल्दी पी लीजिए, चाय ठंडी जल्दी पी, चाय ठंडी जल्दी पी, चाय ठंडी, चाय ठंडी। मुझे तो हाँ? क्या कर रहे हो बेटा,
देखो जी, ये सब लड़की देखने के लिए करते हैं ना, वो तो मैंने देख ली, अच्छी तरह देख ली। बेचारी घबराई हुई है, एक बार पहले गिर चुकी है, फिर गिर पड़ेगी। तुम जाओ, मैं मिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दो चार दिन में गणपत नाई से खबर कर देंगे। खबर कर देंगे जी, बहुत चलिए आइए। तुझे देख के मुझे अपने पति की याद आ गई। क्या बात कर रही हैं आप, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तब मैं भी बहुत छोटी थी, उसने भी वही किया था जो तूने किया। घर जाके चिट्ठी लिख दोगे ना कि लड़की तुम्हें पसंद आई है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है और मेरा फैसला ये है कि अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। मैं भी लड़का हूं, बचपन से देखा है तय लोगों ने, बचपन से खेला हूं तय लोगों के आंगन में, पिछवाड़े से रिश्ता पूछने से पहले अगाड़े से तो पूछ लेना था। मैंने रूपा के लिए कितने सुनहरे सुनहरे सपने देखे थे, मैंने भी सोचा था तय लोगों का आशीर्वाद लेकर मन्ने इस घर का जवाई बन जाऊंगा, लेकिन तय लोगों ने मिलकर मन्ने की जवानी का बेड़ा गर्क कर दिया और दादी देखो बालक मन्ने को बालक कह के तैयार छोटा कर देती हो, मन्ने को मर्द नहीं तो कम से कम लड़का तो कहो। ये जरा वहां रख दे आंटी। रूपा के बारे में जो ख्वाब तुमने देखे थे उसके बारे में पहले ही उसके पिता से कहते तो अच्छा था। आंटी आप जरा पाटला बेलन दे तो वहां से, पाटला बेलन दे दे वो इधर रख दे। ए भगवान, मन्ने की जवानी का ई हाल हो रहा है और ऊपर से कहते हैं कि रूपा के बाप से बात कर। मन्ने जूते खाने हैं क्या? अरे मन्ने इतना शर्मीला कि रूपा तक से बात करने मन्ने को शर्म लगी। इतनी शर्म आती है तो चूड़िया पहन के घर में बैठ, हमारा सिर क्यों खा रहा है? दादी माँ, मन्ने को ताव मत दिलाओ वरना मैं चूड़ियों की जगह लोहे के कड़े पहन लूं। मन्ने कल ही उसके गांव पे जाऊं फिर देखूं वो ससुरा जिंदा रहता है कि मन्ना जिंदा रहता है। उठ दाल रोटी खाओ प्रभु के। क्या शोर मचा रखा है तुमने, बाहर नुक्कड़ तक तुम्हारी आवाज आ रही है। मन्ना कुछ नहीं कर रहा था, मन्ने तो सिर्फ दादी माँ से शिकायत कर रहा था। कल रूपा को देखने के लिए घर में कुछ लोग आए थे और मन्ने को खबर तक नहीं, कहा मन्ने घर का कुछ ना लागे। छड़ी सही जगह पे रख देता हूँ। हाँ तो मैंने ये कह रहा था कि ऐसे मौके पे 100 काम होते हैं घर में और भी ये मुस्टंडा आपके कब काम आएगा है? अंकल सुना है कि वो छोकरा देखने में बहुत भला और खूबसूरत है, अब पर अंकल रूपा को तो पसंद है ना? हम सबको पसंद है और रूपा उसे पसंद है, वो कह गया था कि घर जाते ही बात पक्की कर देगा। वो तो पक्की कर देगा लेकिन लड़का तो अच्छा है ना? अरे भाई 10वीं तक पढ़ा हुआ है, इकलौता बेटा है, और क्या चाहिए? वो भी ठीक है अंकल लेकिन लड़का तो अच्छा है ना? खाते पीते घर का है, जमीन जायदाद सब कुछ है, रूपा सुखी रहेगी वहां। वो तो सुखी रहेगी लेकिन लड़का तो अच्छा है ना? और अच्छा क्या होता है भूतनी के सर पर लगे होते हैं क्या लड़कों के? मैं अपने तसल्ली के लिए पूछ रहा था। गधा कहीं का। तार में करंट जोड़ने से मेरा काम तो बन गया, जो जानवर रात में फसल उजाड़ने आता है मर जाता है। करण साहब ये लो। नहीं नहीं मेम साहब, मैं इस खतरे में नहीं पड़ूंगा। खतरा क्यों? आज तो ये सुअर मरा है, कल किसी आदमी ने ये तार छू लिया वो मर गया तो मैं तो 10 साल के लिए अंदर हो जाऊंगा, और अगर कल आपके पति ने ये तार छू लिया तो? पागल हो, आधी रात के बाद मैं इसे ऑन करती हूँ और सुबह सबसे पहले उठ के ऑफ कर देती हूँ। रख लो पैसे, बाल बच्चे वाले हो काम आएंगे। किसी को किसी दिन खबर होगी तो? किसी को खबर नहीं होगी, इस घर में मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि इसमें करंट लगा हुआ है। जल्दी जोड़ दो और चले जाओ यहीं से। लेकिन ये सब मैं आपकी जिम्मेदारी पे कर रहा हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो ना, मेरा बेटा आने वाला है, कहीं सामने पड़ न जाए। क्या हो रहा मोटो? साइकिल को तेल दे रहा हूँ भैया। क्यों? क्यों मतलब? मतलब साइकिल तेल के बगैर भी जा सकती है। लेकिन कहाँ? ओ
लड़की देखने देखने नहीं मिलने। अरे भैया ट्रैक्टर ले चलो, 19 मील दूर जाना है। अगर ट्रैक्टर ले चलेंगे तो माँ जी सवाल करेंगी, तू चल जल्दी कर। हाँ अच्छा अच्छा सुनो, तुम ठहरे रहना, मैं तेरा कंकी वंकी करके आता हूँ, जाना मत भैया। क्यों? वो लड़की को मिलने जाना है ना, इसलिए मैं जरा। तो तुम लड़की से मिलना चाहते हो? हाथ इधर करो, अभी से मुंह पे मलो। क्या कह रहे हो भैया? जल्दी करो मुंह पे मलो। अब पूरे घोंचु लग। ट्रैक्टर पे चढ़ा एक्टर, एक्टर था बड़ा हीरो। अरे 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 रुक जा, अरे तेरा क्या जाएगा कटिया, रुक जा। अरे 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 तेरा क्या जाएगा, रुक जा रुक जा। क्या कर रहे हो चाचा? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे देख रहा था कि वो बकरा है या बकरी। झूठ मत बोलो चाचा, दूध चोरी कर रहे थे ना? नहीं मैं, मेरी रूपा, एक रूपा, किसी से कहियो मत, वरना ये गांव वाले हैं ना, ये पंचायत बैठा के मेरा मुंह जिंदगी भर के लिए काला कर देंगे, और फिर तुझे इससे क्या, किसकी बकरी किसका दूध। बकरी भी मेरी है चाचा, और उसका दूध भी। ओहो, और बकरी तेरी है? तो फिर ये तो अपने घर की बात है। अपना समझते हो तो कल आए क्यों नहीं? कल? अरे कल मैं जरा चला गया था पास वाले गांव में, एक पिल्ले की दुम जरा सीधी करनी थी, चुनौती दी थी एक पहलवान ने मुझे, मैंने ऐसा उठा के चित किया सा उसको। लो खास करके तुम्हारे लिए रखे थे मैंने। लेकिन था क्या घर में, कोई खास बात थी? इतना भी नहीं पता। कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे। वाह, कल तक नाक चाट रही थी, आज लड़का देखने आ गया है? आज नहीं कल। कैसा है वो लड़का, नाम क्या उसका? दादी ने कहा है नाम नहीं लेते। राजपुरा में रहते हैं, 22 साल की उम्र है, रंगंदमी है, कद ऊंचा है, पैंट पूरी पहनते हैं, और 5 साल मैट्रिक पढ़े हैं। कितने साल तक? 5-6 साल तक मैट्रिक पढ़े। वो तो आगे भी पढ़ना चाहते थे, पर उनकी माँ ने मना कर दिया कि मैट्रिक की आदत लग जाएगी। इसका मतलब है अपनी बुनियाद पक्की करा, बुनियाद। अब तो उसको देखना पड़ेगा। सुन, तुझको तो वो ब्याह के ले जाएगा, पीछे रह जाऊंगा मैं। तूने सोचा इस बूढ़े का क्या होगा, मेरा कौन ख्याल रखेगा? चाचा, चाचा। भाइये लड़की तो पटाखा है, मेरा मतलब भाभी पटाका है, मतलब बहुत खूबसूरत है। तू यहीं ठहर, मैं उसे मिल के आता हूँ। अरे इतनी दूर से आए तो मिलना तो पड़ेगा ही ना। सुनो मेरा भी नमस्ते कह देना भाभी जी को। रूपा सुनो मेरी बात सुनो। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ? अरे अरे जरा देख क्या ये किसका पिल्ला हमारे मोहल्ले में तुम हिला रहा है, जा इधर ला इसे। क्या हुआ भैया? अरे भाभी दुलत्ती क्यों मार रही है? कुछ नहीं यार, वही है, पहली बार देखा तो बच्चों की तरह धाड़े मार के रोने लगी, आज इतनी दूर से मिलने आया तो सीधे मुंह बात नहीं कर सकती थी, देख कैसे भागी जा रही है। ठीक है लेकिन भैया इसने घर जाके शिकायत कर दी तो? मेरे ढेंगे से। ओ कहां से आए हो तुम लोग? अबे जबान संभाल कर बात कर, ज्यादा बेतबे की जरूरत नहीं है। कौन हो तुम लोग? दांत तोड़। हैं? भैये वो क्या होता है? दांत तोड़ने वाले, शराफत से हमारे साथ चलो, नहीं तो हम दांत तोड़ के गिनवा देंगे। हम राजपुरा के निवासी, दांत तोड़वाते नहीं तोड़ते हैं। Fight!
है? वो लड़का जो कल मुझे देखने आया था, आज नदी पर पानी भरने गई तो वहाँ चला आया। मेरी तो देखते ही जबान खुश्क हो गई। वो मुझे धमकाने लगा, ए चिल्लाओगी तो गला घोट दूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। वो तो राक्षस है, मैं शादी नहीं करूंगी उससे। अच्छा बच्चों की तरह रोना छोड़ और चल मेरे साथ। अभी तक तो मैंने अनाड़ी भेजे थे, अब मेरे मंजे हुए शागिर्द आ रहे हैं, अब जरा अपना कर्तव्य दिखाओ। रेंगता हुआ जा, रेंगता हुआ, और उसकी टांगों पे लाठी मार, नहीं तो सबको फेंट के रख देगा वो। लड़ाई का तो ये उसूल नहीं है गुरुजी। इज्जत का सवाल है मेरी, जैसे बोलता हूँ कर जा। रेंगता हुआ जा, रेंगता, रेंगता, रेंगता। मैंने क्या किया? मुझे आशा, ये लोग मार डालेंगे इसे। अरे ये मार डालेगा इन लोगों को, देखती नहीं किस तरह धुलाई कर रहा है। स्वागतम जवाई राजा। स्वागतम स्वागतम। अरे यार बताना तो चाहिए था, आप अगर ये लड़की नहीं आती तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। शुक्र करो अभी तो मैं नहीं आया, नहीं तो और क्या हाल होता। भाई लाठी वाठी तो बड़ी अच्छी घुमा लेते हो, किससे सीखी थी? उस्ताद ताजुद्दीन से। ताजू, ताजू से? अरे वो ताजू तो मेरा शागिर्द था। अरे शर्म करो बे शर्मो, ये मेरे शागिर्द का शागिर्द है और तुम सबको मार गया। बरखुरदार, बरखुरदार, बड़े फिट लगते हो तुम, क्या पीते हो, बकरी का दूध? भैंस का।
भैंस का, भैंस में क्या है जरा धोने में मुश्किल होती है। हाँ चलो, क्योंकि एक हाथ इधर रख के और जयराम जी की बरखुरदार। रास्ते में तुम्हें कोई तंग करे तो मेरा नाम बोलना। सुनो भैया, अब क्या है? बुरा मत मानना, रूपा का इसमें कोई कसूर नहीं, वो तुम्हें अचानक सामने देखकर घबरा गई थी, बेचारी बच्ची है ना। आप भाभी जी की सहेली हैं? जी हाँ। ओए तुम्हारी सहेली बच्ची है ना, उसे कहो घर जाके पालने में लेट के मुंह में डाल के इसे चूसे। चल बे। अच्छा जी, फिर मिलूंगा कभी।
पूछू पूछू महबूबा पाई है मैंने कैसी तकदीर देना किसी को ऐसी खेल खिला दे गोद उठा दे बीते गिरी तुम पानी महबूबा पाई है मैंने कैसी तकदीर देना किसी को ऐसी झूला झूला दे प्यार सिखला दे चली जाएगी ये जवानी सात आठ दस ग्यारह बारह बारहवें घर में तो राहु बैठा हुआ है और अब आइए पच्चीस पर वहां केतु बैठा हुआ है पंडित जी आपको पता है भैये जल्दी शादी करना चाहते हैं मंगनी की तारीख ही पक्की नहीं हो रही है तो शादी की तारीख कब पक्की होगी तू चुप कर मांटो हाँ तो पंडित जी अब ये बताइए कि इस महीने में कौन सा मुहूर्त निकलता है चल पंडित जी ये शुभ दिन जरा जल्दी नहीं आ सकता अजी शुभ कार्य करने से तो शुभ दिन जल्दी आ भी सकता है थोड़ा सा शुभ कार्य और कीजिए तो कोयला जल्दी ले आना हाँ तो इस महीने की 25 तारीख पर केतु बैठा हुआ है उससे पहले 24 23 22 20 ठीक है आपकी मर्जी है जितनी आवश्यकता हो उतना नीचे आ जाइए तो पहली रख देते हैं पहली तो गुजर चुकी है पंडित जी है? आज 5 तारीख है ओहो तो फिर 10 पक्की किए देते हैं इससे पहले कुछ नहीं हो सकता मोंटो जी मामा तू लड़की वालों के यहाँ चला जा बहुत अच्छा अरे अरे बात तो पूरी सुन लिया कर आगा कहाँ जा रहा है उनसे कहना मंगनी की 10 तारीख निकली है जी बात अगर उन्हें भी ठीक लगे तो बात पक्की करके आना मामा बस क्यों गया और क्यों आया अब जा कहाँ जा रहे हैं आप बात पक्की करने वो लड़की मेरा मतलब भाभी की कोई है घर में कोई नहीं है बापू खेत में गए हैं माँ मंदिर गई है दादी पड़ोस में बैठी लोगों की निंदा कर रही है क्या चाहिए तुम्ही को चाहता हूँ तुम उधर बैठो मैं चाय लेकर आ चाय की जरूरत नहीं है तुम आ जाओ बस देखो इस वक्त घर पे भी कोई नहीं है तो घड़ी पास बैठकर कुछ मीठी मीठी तुम पास आती हो कि मैं अरे नैना तुम यहाँ क्यों चले आ रहे हो रुक जाओ नारे ना मेरी तो देखते ही जान निकल गई एक चाची तुम कह दो ना ना बाबा ना जवान मर्दों से बात करते मुझे लज्जा आती है जवाय राजा नमस्ते 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 बैठो 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 तुमको देख के मन बहुत प्रसन्न हो जाता है एक बात बताओ ये आज सुबह सुबह तुम यहाँ अकेले कोई खास बात वो मंगनी की तारीख पक्की हो गई है यही बताने आया था
मंगनी की तारीख बताने आए थे या मंगनी वाली की झलक पाने आए थे? अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, मुझे देखते ही ऐसी भागी जैसे मैं कोई भूत हूँ। अच्छा हाँ? अभी बुला देते हैं। रूपा जी चाचा, एक ग्लास पानी ले आना बिटिया। अभी लाई। देखो हर बात तजुर्बे से होती है, हर काम तरकीब से होता है। तजुर्बा जो है वो उम्र से आता है और तरकीब अक्ल से आती है। अब हमारा क्या है कि हमारे पास दोनों चीजें हैं, उम्र भी है, तजुर्बा भी है, अक्ल भी है, हर काम यूं करवा दे। रहता पानी पी लो, पानी पी लो, पी लो। परंपरा परंपरा लिहाज, हमारे गांव की औरतें इस बात का बहुत ख्याल रखती हैं। बूढ़ी से बूढ़ी औरत भी अगर मर्द के सामने आएगी तो वह घूंघट निकाल के आएगी। परंपरा लिहाज। तरकीब मैं दूसरी बता देता हूं। अरे भगवान क्या करेगा तुम्हारा, अचार डालेगा? अब देखता हूँ क्या करती हो। अच्छा चिल्लाऊंगी। अरे चिल्ला तो रही हो, और चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। होश में आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं शेखर तुम्हारा मंगेतर। रूपा बाप रे, ये तो पुलिस केस बन जाएगा। चिल्लाओगी तो घोट के मार डालूंगा। 19 मील से रोज साइकिल पर पैदल तुम्हें मिलने आता हूं और तुम होगी डरे खरगोश की तरह भाग जाती। प्यार की दो बातें करते हुए तुम्हें तकलीफ होती है क्या? मैं मफलर डाल के प्यार की बातें होती है क्या? मफलर निकालता हूं, लेकिन ठीक से बात करना, अगर चिल्लाई तो। एक से बात करो। बात करने के लिए यही जगह मिली थी तुम्हें? क्यों, क्या बुरा है इस जगह में? बुरा काम करने वाले लोग यहाँ आते हैं। तो फिर हम भी बुरा काम कर लेते हैं। मैंने तुमसे कहा था चिल्लाना मत। जाओ, लेकिन याद रखना, घर जाते ही मंगनी तोड़ दूंगा और कह दूंगा अपने मां बाप से कि मुझे ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और उसके बाद तुम्हारे ही गांव में जाकर कोई दूसरी लड़की देख लूंगा। जानती हूं तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि तुम मर्द हो ना, जितनी चाहो लड़कियां देख सकते हो, इसलिए तुम मुझे धमकाते हो। ठीक है, बड़े शौक से देखो लड़की, लेकिन जब उसे देखकर वापस जाओगे तो रास्ते में मेरी लाश भी देख लेना। बड़ी चालाक बनती हो, पहले तो मुंह तक नहीं खुलता था। क्या बुराई है मेरी चालाकी में, बोलो। मैं इतनी दूर से तुम्हें मिलने आता हूँ, तुम बात तक नहीं कर सकती? बात करूंगी अगर तुम मुझे छुओगे नहीं। क्या कहा, जरा ऊंचा बोलो। बात करूंगी अगर तुम मुझे छुओगे नहीं। अच्छा एक बात बता, शादी के बाद भी तुम्हें छू सकूंगा या नहीं? शादी के बाद मैं खुद ही तुम्हें छू लूंगी। मैं कल फिर आऊंगा तुम्हें यहीं मिलने। च
चाचा, हर पूर्णमासी को ये पहलवान मौनव्रत क्यों रखता है और फूल चढ़ाने कहाँ जाता है? हम भी 30 साल से यही देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाता है। और एक मर्तबा मैंने पूछा भी तो 4 दिन तक मुझे अपनी पीठ सेकनी पड़ी बेटा। देख रहा हूँ कि तुम वही हो जो कल मिली थी या कोई और हो। कल तो मुंह से बात नहीं निकलती थी, मेरा तो ख्याल था तुम नहीं आओगी। मैंने सोचा तुम रोज 19 मील साइकिल पर पैदल आते हो तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। अच्छा, मैं एक चीज भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या कौड़ियाँ लाई हो चौपड़ खेलने के लिए? तुम्हें पसंद है, कल ले आऊंगी, चलो खेलेंगे। हाँ आज तुम्हारे लिए भुनी हुई मूंगफली लाई, लो खाओ। क्या हुआ? अरे मेरी भोली भाली, ये तो लैला ने भी अपने मजनू के लिए नहीं किया था। बेचारा मजनू बिना मूंगफली खाए मर गया। ये मजनू कौन था? इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? सोचता हूँ तुमसे शादी करना बहुत खतरे की बात है। अगर सुहाग रात को भी तुमने मूंगफली खिला दी तो शादी के बाद मियाँ बीवी क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कुछ पता है तुम्हें? पता है। सच? सब पता है? और क्या? अच्छा बताओ। सबसे पहले तो सुबह सुबह पति के लिए चाय का प्याला लेकर जाओ। गुड गुड। फिर? फिर पति के लिए नहाने का पानी गर्म करो। हाँ फिर? फिर उसके लिए नाश्ता तैयार करो। फिर दोपहर का खाना, उसके बाद रात का खाना, और उसके बाद? उसके बाद हाँ, अगली सुबह फिर चाय का प्याला लेकर। रात के खाने और सुबह की चाय के बीच में पूरी रात का फासला है, वही भूल गई तुम? रात को क्या होगा ये बताओ। ओ, रात को? हाँ रात को। वो तो मुझे पता है। क्या? रात को दूल्हा बिस्तर पर आराम करेगा, दुल्हन दूध का गिलास लेकर आएगी, दूल्हा उसके हाथ से गिलास लेगा, दुल्हन उसके पाइते ले जाएगी। फिर दूल्हा क्या करेगा पता है? क्या? वो दुल्हन को वहां से उठाकर गले लगा लेगा। गुड गुड गुड। फिर? फिर दुल्हन धीरे से चलती हुई जाएगी। ए, आप कहां चली? दरवाजा बंद करने। अच्छा फिर? वापस आके बत्ती गुल। क्या बात है, तुम सही रास्ते पे जा रही हो। फिर अंधेरा। अंधेरे में क्या होता है वो नहीं पता? सोचो सोचो, सोच के बताओ, सोच के तो देखो, शायद कहीं देखा हो, कहीं सुना हो, किसी फिल्म में या किसी सहेली से। हाँ? देखा है फिल्म में, बत्ती बुझ गई, अंधेरा हो गया, फिर दो फूल ऐसे ऐसे कांपते कांपते जुड़ गए, फिर एक पंछी दूसरे पंछी की चोंच के पास चोंच लाकर टू 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 टू। अरे यार तुम तो सौरभ मोदी की फिल्म की बात कर रही हो, किसी आज की फिल्म की बात करो। आजकल फिल्मों में क्या होता है? आजकल तो लड़का लड़की ऐसे हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर वो। इसका क्या मतलब होता है पता है? क्या? देखो ये लड़के का हाथ है और ये लड़की का, फिर यूं उंगलियों में उंगलियां फंसा के, फिर लड़की को ऐसे गले लगा के, फिर पैरों पे पैर रख के, और ये सब खाने के बाद। हाँ हाँ खाने के बाद, ये सब खाने के बाद। फिर पता क्या होता है? हाँ, खाने के बाद तुम्हारे हाथ पांव दबाकर तुम्हें सुला दिया करूंगी।
ठहरो एक सेकंड। क्या हुआ? काटो। लाओ मैं निकालता हूँ। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, मत छोड़ मुझे। देखो चिल्लाओगे तो एक लाख के दूंगा। चुप। कल तुम जब आओगी तो किसी कांटे की मजाल नहीं कि वो सर उठा के देख सके। क्या करोगे तुम? मंडी में खड़ा कर दे, उधर भाव ज्यादा मिलेगा। नीलाम कर दे उसे। हम क्यों नीलाम करने लगे अपने बेटे को? इन भिखारियों को समझाओ, वरना मिला तो तोल के बेचना पड़ेगा अपनी बेटी को। खबरदार, चुप कर। बहुत कह चुके आप लोग, लड़की दे रहा हूं, कोई अनाज की बोरी नहीं जो खरीदने आए हैं आप। तराजू लेकर तोलने वालों के घर नहीं भेजना उसे। छी, पहले मालूम होता तो ऐसे ओछे घर में कदम भी नहीं रखते। चलो उठो, चलो। हाँ चलो जी। हाँ। चलो। खेतों पे जा रहा हूँ, पंचायत वालों का कोई संदेश आए तो बुलवा लेना। जी। नमस्ते। हाँ, आपने देखा नहीं कि हम बात कर रहे हैं? अरे लेकिन जवाई बेटा आया है तो जरा। सुना नहीं, आप अंदर जाइए। कहो कैसे आना हुआ? मैंने देखो मुझे बाहर जाना है, जल्दी से कह दो तो अच्छा है। मैंने अपने माँ बाप को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपने जिद पे अड़े हुए हैं। उनकी समझ बूझ तो कल ही देख ली थी मैंने, अब तुम किस काम से आए हो? मैं रूपा को, रूपा अच्छी लगती है मुझे, मैं चाहता हूं कि रुपए के लिए अगर ये शादी, ये रुपए रख लीजिए। बीस हजार मेरे माँ बाप को देकर ये शादी पक्की कर दीजिए। तुम्हारे माँ बाप ने तो भिखारी बुलाया ही था, तुम बनाने भी आ गए। मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मुझे गलत मत समझिए, मैं तो ए, गलत के होवे है, सही के होवे है, मन्ने के अंकल को मत समझा, वरना 20,000 के चीज है, के चीज है 20,000। मन्ने अपने अंकल के वास्ते अपने आप को बेच दूं, अपने घर बार को बेच दूं, अपनी जमीन को बेच दूं और 20,000 रुपए ला के अंकल के कदमों पे निछावर कर दूं। है ना अंकल जी? तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? जाओ यहां से। देखो साहबजादे, तुम्हारी मां की जात तो कल ही उसकी जुबान पर देख ली थी। मैं अपनी लड़की को उस घर में नहीं भेजूंगा।
यहां से दिन रात गाड़ियां सुननी पड़े। शादी के बाद हम उस घर में नहीं रहेंगे, मैंने पहले ही फैसला कर रखा है। वो मेरी सौतेली माँ है, आप नहीं जानते। तुम्हारा खून बहुत गर्म है बेटे, लेकिन गर्म दिमाग से मसले हल नहीं होते। मैं आपकी मिन्नत करता हूं, ये रुपए रख लीजिए। बंद करो ये सब, मुझे देर हो रही है, बाहर काम पे जाना है। तुम चाय पीकर जाना। ये सब क्या हो गया भगवान, तुम्हीं ने हम दोनों को मिलाया फिर जुदा भी कर दिया, क्यों? रूपा ये सब क्या हो गया शेखर, हमें सब कुछ मिला फिर एक झोंके ने हमारी तकदीर बदल दी। तकदीर का एहसान मनोरूपा, जिसने हम दोनों को मिलाया, जिसने हमें मोहब्बत और जज्बात की डोर में बांधा है, और वो डोर इतनी कमजोर नहीं जो हमारे माँ बाप के फैसले से टूट जाए। मैं क्या करूं शंकर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो हम दोनों यहाँ से भागकर शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके लिए कल सारा गांव मेरे पापू के नाम पर थूके। हम कोई पाप नहीं करने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं। मेरी बात मानो रूपा, कुछ ही दिनों में रोते धोते सारी बातें खत्म हो जाएंगी, तब तक हम शादी करके उनके पास आ जाएंगे और उनके कदमों में अपना सर रख देंगे। मुझे पूरा यकीन है वो हमें माफ कर देंगे। नहीं नहीं, मैं अपने बापू को नहीं छोड़ सकती। हर वक्त एक ही रट लगाई रहती हो, बापू बापू मेरे बापू। क्या बापू से पूछ कर आई थी मुझे मिलने? क्यों कसमें खाई थी? वादे किए थे मुझसे कि मरते दम तक अलग नहीं होंगे। से मोहब्बत करती हो ना, मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब सुनो, मैं सुबह 4 बजे यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम आई तो यह समझूंगा कि हमारी मोहब्बत की जीत हुई है, और अगर नहीं आई तो यह समझ लूंगा कि हमारी मोहब्बत ने मंजिल पर पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया।
जरा बाहर आइए। देखिए दीनदयाल जी, कोई तार अपने आप से जुड़ नहीं गई, ना ही उसमें अपने आप करंट आया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ ना पूछिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा तो बेटा अंदर बेहोश पड़ा है, मुझे उसकी जान की फिक्र लगी है। इस बाहर के बाग बगीचे की देखभाल कौन करता है? कोई माली काम करता है वहां? ये है उस बाग बगीचे की माली भी और मालकिन भी। इन्हीं से पूछिए, इस घर में इनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ए मोंटो, क्या हुआ रे? पहलवान चाचा, भैया अंदर बेहोश पड़ा है। तो पुलिस यहाँ क्या करेगी? वो रात को क्या हुआ कि घर से निकलते वक्त बगीचे के पास चौधरी साहब, चौधरी साहब, मुखिया जी ने आपको पंचायत में याद किया है। गिरधारी के घर की दीवार पड़ोसी के आंगन में आ गिरी है, उसकी शिकायत आई है, चल के फैसला करना है। मैं तो अपनी किस्मत के फैसले को लिए बैठा हूं भाई। मुखिया जी से कह दो मेरे अपने घर की दीवारें नंगी हो चुकी है, क्या मुंह लेकर पंचायत में बैठूंगा? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्यों दिल छोटा करता है बेटा? तू तो दुनिया को हौसला दिया करता था, इतनी सी बात के लिए दीवारी ढाक के बैठ गया है, है? शकुंतला जी, जाके पूछ अपनी बेटी से, ये घर की दहलीज ही लांघी थी या वो भी काला करवा के आई है? ऐसी बातें करते हैं आप, मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत भोली है। जो घर से भागती है वो भोली ही होती है। खूब सबूत दिया उसने अपने भोलेपन का। जिसके पाँव में चक्कर होते हैं ना, उसे पूरा पच्छम कुछ दिखाई नहीं देता। जाके पूछ अपनी बेटी से, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया है तो हम सब जहर खा के मर जाएंगे। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें मुझे मत निकालिए, मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ जा रहे हो? रूपा से मिलने। अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी शादी दूसरी जगह तय कर दी है। 1,00,000 रुपए नकद देंगे वो, और मैं तो 50,000 ले भी आई हूँ शगुन के तौर पर। मैं वहाँ हरगिज शादी नहीं करूंगा जहाँ मेरे दाम तय करके आई है। तो क्या उन लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाओगे? आप कुछ भी कहो माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रूपा से। हाँ हाँ, मुझसे तो वो भिखारी अच्छे, मेरी बात क्यों मानोगे? मैं सौतेली हूँ ना। मैंने कभी आपको सौतेली नहीं समझा, सगी माँ से बढ़कर चाह है आपको। आप क्यों रुपयों की खातिर मेरी खुशियाँ बेचना चाहती हैं? अरे तुम्हें खिला पिला कर बड़ा किया, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा किया मैंने, जो माल लगाया वो वसूल नहीं करूंगी क्या? पिछली बार छुप कर भागा था इस घर से, वो मेरी गलती थी, लेकिन आज छाती ठोक कर जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता मुझे। अरे जाओ जाओ, मैं भी। कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे बस करो बस करो, जवान बेटा है। एक बात सुन लो, इस घर के बाहर कदम रखा तो तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। आप भी सुन लीजिए, आज के बाद इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। अरे बेटा,
जी, आप ही पूछो ना, कुछ खाएंगे क्या? बेटी कुछ खा ले, कल से कुछ नहीं खाया। कुछ ले आओ खाने के लिए। डॉक्टर ने क्या कहा? मलम लगाने दिया है पैरों में, 3-4 हफ्तों में ठीक हो जाएगी। कुछ खाया उसने? कुछ खाया उसने? जब तक तुम बात नहीं करोगे उससे, उसने कसम खाई है कि वो कुछ नहीं खाएगी। उसकी जिद तो तुम जानते ही हो ना, बाप से कम नहीं। आखिर बेटी किसकी है? एक बार जाकर उसे देख ही लो, तुम्हारी चोटी नहीं कट जाएगी। तुम्हारी अपनी औलाद है, मैंने भी तुम्हारी कम मिन्नत नहीं की थी जब तुम छोटे थे।
कर दो बापू, जीवन में ऐसी भूल फिर कभी नहीं करूंगी। ये क्या हुआ तुम्हारे पैरों को? मत पूछो शेखर, मत पूछो, ना ही पूछो तो अच्छा है। भगवान के लिए भूल जाओ मुझे। भूल जाओ? क्या कह रही हो रूपा? मैं तुमसे जानती हूँ तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो और मैं भी तुम्हें खोकर एक पल के लिए भी नहीं जी सकती, लेकिन माँ बाप की इज्जत के सामने मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती शेखर, भूल जाओ मुझे। ऐसा मत करो रूपा, हमेशा के लिए भूल जाओ। भगवान के लिए ऐसा मत करो। तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगी, समझा दो इसे। मैंने 2-3 जगह इस रिश्ते की बात चलाई है, अगर उन लोगों के कानों में इस कलमोही की करतूतों की फलक भी पड़ गई तो मैं रहा साहब मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। ना जाने क्यों हमारी किस्मत में वो मनहूस लिखा था। अरे वो बाप है जल्लाद, रूपा को अपने पांव चलाकर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी सिर्फ अपने बाप को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हमारी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। मैं अभी जाकर उसे बता दूंगा कि उसे रूपा को सताने का कोई हक नहीं है, रूपा मेरी है और मैं दुनिया के सामने उसे अपना बना कर रहूंगा। बरखुरदार, इस तरह तैश में आने से कोई फायदा नहीं है। मैं खुद यही चाहता हूं कि तुम्हारी शादी रूपा बिटिया से हो जाए, लेकिन उसके बाप को मनाने का तरीका तुम्हारा जोश नहीं, होश है होश। इधर आओ मेरे पास आके बैठो, आओ। अरे गुस्सा छोड़ो बरखुरदार, इधर आओ, आओ। अरे बैठो। देखो बरखुरदार, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अरमान पूरे हो जाए तो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो, मैं तुमको बकरी का दूध पिला पिला के ना मोहब्बत की मंजिल तक पहुंचा दूंगा। और अगर चौधरी तुम्हारे रास्ते में आया तो मैं चौधरी को तुम्हारे सामने बकरी बना दूंगा। हरे गोविंद हरे मुरारी हरे। अरे जमाई बाबू, आप सुना आपको करंट ने मारा, आप कैसे हो? अच्छा हूँ। रूपा बेहद चाहती है तुम्हें, जान देती है बेचारी, दिन रात रोती रहती है, पर बाप का डर है, घर से निकाल के ले क्यों नहीं जाते? बारारा बाबू उसका खबरदार, जूते मार मार के निकाल देंगे। तूने समझ क्या रखा है मेरे बेटे को? है, 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 है। तुझे इस गांव में घुसने किसने दिया? तेरी भलाई इसी में है कि अपने आप निकल जा, नहीं तो क्या करेगी रे? क्या कर लेंगे? हाँ? अरे तुम हमको नहीं जानते, हम तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर देंगे। हाँ। आ, 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 तो कर ले जो करना है, अगर तू औरत ना होती तो मैं तेरी। अरे तू भी मर्द ना होता तो मैं भी तेरी। ए माँ, क्यों सर खपा रही हो इनके साथ? चलो अंदर। तुम पहलवान हो गए अपने घर के? हाँ, ये कोई अखाड़ा नहीं है। हाँ, हमारे बेटे को क्या समझ रखा? चाचा चाचा, अकेले जा रहे हैं चौधरी साहब। अरे वो चौधरी है, कोई बकरी तो है नहीं कि धर लूं और दूध निकाल लूं उसका। तो फिर कब बात करोगे? तुम्हीं ने तो कहा था अकेले में बैठकर बनाऊंगा उन्हें। देखो, आप अकेले बैठ के मनाने का समय नहीं है, तू धीरज रख, मैं सब ठीक कर दूंगा ना। है? चौधरी साहब नमस्कार। कैसी हो रूपा बिटिया, पाँव कैसे हैं तुम्हारे? हाँ, अरे रूपा, तुमने अपने बापू को नाश्ता वास्ता दिया के नहीं? रूपा, इससे पूछो क्या चाहिए और देकर दफा करो। रूपा बिटिया, अपने बापू से कह देना
मैं उधार मांगने नहीं आया जो डर रहे हैं। मैं तो सीधे मुंह दो बातें करने आया हूं, अगर बैठने के लिए कोई मोड़ा या कुर्सी मिल जाए तो। मोड़ा या कुर्सी पाने जैसा कोई कर्म नहीं किया तुमने। मुझे मेरे कर्म मत सिखाओ चौधरी, आज मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म दिखाने आया हूं। तुम गाली भी दोगे चुप नहीं रहूंगा। आज तुमने अपना भाईचारा नहीं निभाया तो। भाईचारा तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उस लड़के को तुमने अपने घर में पनाह दी थी। उसी के लिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ चौधरी साहब। वो लड़का मेरा कुछ नहीं लगता, और अगर लगता भी है तो आपकी बेटी की वजह से लगता है। वो उसे प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। रूपा, तुम कहोगी या मैं बताऊं इसे? चाचा, आप हमारे मामले में मत पड़िए। मैं वही शादी करूंगी जहां बापू कहेंगे। बाप, रोंदे हुए गले से क्या शहर टपका है? जाओ, अंदर जाओ तुम। चौधरी, उसकी आवाज में गूंधे हुए आंसू तुम्हें सुनाई नहीं देते। तुमने उसके गले में अपनी झूठी इज्जत का रस्सा डाल रखा है। देखना, एक दिन उसी रस्से से घुटकर वो अपनी जान दे देगी। तुमने सुना नहीं रूपा ने क्या कहा? मैंने उसकी घुटी हुई आवाज सुनी, उस आवाज में गूंधे हुए उसके आंसू देखे। आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन मुझे तो उसकी लाश भी झूलती हुई दिखाई देती है। श्यामा! चौधरी, मैं एक बार फिर यह हत्या नहीं होने दूंगा। कान खोल के सुन लो, अगर चाहता तो 10 का पहाड़ा गिनते में इस लड़की को यहां से गायब कर देता। लेकिन मुझे तुम्हारी नहीं, रूपा की इज्जत का ख्याल है। चौधरी, मैं इस गांव भर में अपने अक्खड़पन के लिए मशहूर हूं। आज पहली बार मैं सोच समझ के बात कर रहा हूं। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, अपनी बेटी पे तरस खाओ चौधरी। और अगर फिर भी तुम होश में नहीं आओगे चौधरी, तो सुन लो, अगर 30 दिन के अंदर अंदर मैंने उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं करवाई तो अपनी आधी मूछ मुंडवा के फेंक दूंगा। तुम भी कान खोल कर सुन लो कि अगर उसी लड़के से रूपा की शादी हुई तो मेरी लाश पर होगी। रूपा ने कुछ कहा? हाँ हाँ कहा, बकरी की तरह गर्दन हिला के बोली, चाचा हमारे मामले में मत बोलिए, मैं शादी वहीं करूंगी जहाँ मेरे बापू कहेंगे। बापू कहेंगे? बाप ने गले में फांसी का फंदा डाल रखा है, वो बेचारी कहेगी भी तो क्या। ए बरखुरदार, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं वहां चेतावनी दे के आ गया हूं कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर तुम दोनों की शादी ना हो गई, मैं अपनी आधी मूछ मुंडवा लूंगा। गुरुजी, मैं भी चुनौती लेता हूं, तुम इधर की मुंडा लो, मैं इधर की मुंडा लूंगा। अबे तेरे पास है ही क्या मुंडाने के लिए? पैक 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 करता रहता है उल्लू का आधा पट्टा। पहलवान जी, पंचायत में बुलाया है। क्यों, किस लिए? पता नहीं, वहां चल के पता चलेगा। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है। बरखुरदार, ठोक के तैयार हो जाओ, दंगल शुरू हो रहा है। क्या हुआ, अकेले आए हो? उसने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूं। कोई बात नहीं, आने दो उसे। गांव का ये दस्तूर है गामा कि जब किसी मुजरिम को पंचायत के सामने बुलाया जाता है तो वो नम्रता से हाथ बांधकर खड़ा रहता है। लेकिन तुम ये सिंहासन साथ लाए हो, आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुमने गुनाह किया है या नहीं, ये फैसला तुम नहीं बल्कि पंचायत करेगी। पहले खड़े हो जाओ, फिर जवाब दो। पहले मुझे मेरा कसूर तो बताओ, और
जब बड़े बूढ़े बोल रहे हो ना तो लाउंडे बीच में नहीं बोलते, समझे? मुझ संभाल कर बात कर गामा। चुप रहो राम सिंह। तुम्हारा गुना यह है कि तुमने उस लड़के को अपने घर में पनाह दी है जिसने गांव की इज्जत पर कीचड़ उछाला और चौधरी साहब के नाम पर बट्टा लगाया। कोई खून किया है मैंने या डकैती डाली आपके गाँव में? तुम चुप रहो, जवाब गामा देगा। वो क्यों जवाब देंगे? इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है, जवाब भी मैं दूंगा। तुम्हारी मुंह खोलने की जुर्रत कैसे हुई? तुमने चौधरी साहब की बेटी को भगा ले जाने की कोशिश नहीं की? ये लड़का उस लड़की को जबरदस्ती भगा के नहीं लाया था और ना ही इसने उसके साथ किसी किस्म की बदकारी की थी। वो लड़की अपनी मर्जी से अपने बाप का घर छोड़ के आई थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। और अगर शादी के पवित्र बंधन में बंध जाना गुनाह है तो फिर सिर्फ ये लड़का ही नहीं बल्कि इस गुनाह में वो लड़की भी बराबर की हिस्सेदार है। गामा ठीक ही कहता है। तुम नहीं जानते चाचा, बुड्ढा बड़ा चालाक है, अपनी चिकनी बातों से हम सबको बेवकूफ बना रहा है। इससे बात करने का ये तरीका नहीं है। तो फिर कौन सा तरीका है लौंडे? लड़के को मार मार के गांव से बाहर निकाल दो, फैसला अपने आप हो जाएगा। अगर किसी ने लड़के पे हाथ उठाने की हिम्मत की, हाथ तोड़ के गर्दन में टांग दूंगा। पहलवान, गांव वालों को दुश्मन बनाना बहुत आसान है, लेकिन इतना याद रखो, छड़े छाट हो, अगर मर गए तो कोई लाश उठाने वाला भी नहीं होगा तुम्हारे पीछे। मैं यही पैदा हुआ था, मैं यही मरूंगा और मेरी लाश को उठाने के लिए तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अकेला मत समझो, तुम मेरे साथ मेरा बेटा है शेखर, यही मेरी अर्थी को कंधा देगा, यही मेरी चिता को आग दिखाएगा। मेरा बेटा यही रहेगा मेरे पास। मैं देखना चाहता हूं किस माई के लाल में हिम्मत है जो इसे यहां रहने से रोक जाए। चल बेटा। अरे चल बेटा चल। अरे डूब मरो तालोक, सारे गांव के मुंह में जूता मार के चला गया, सारे गांव का मुंह काला कर दिया और तालोक टोपी बड़े खड़े रह गए कुछ कर ना सके। पंचायत बुलाएंगे, पंचायत बुलाएंगे। मैं इस गांव का वैद हूं, गांव में हर आदमी की नस नस से वाकिफ हूं और ये पंचायत में मुझे बुला के मेरी नफस टटोलेंगे। नफस है पंचायत गुरु, जब आदमी बुलाता तो कुत्ता भौंकते हैं। मैं भौंकने दीजिए, कुछ भी पीजिए और हमें भी पीने दीजिए। आप लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं और जिसकी वजह से पंचायत बुलाएगी उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हाँ चाचा मैं सोच बोल रहा हूँ, मैं नशे में नहीं बोल रहा हूँ। अगर मुझे रूपाली मिली तो मैं मजनूबल के जहाज से चला जाऊंगा। लोगों इसके हाल पे तरस खाओ, इसको इसकी लैला से फौरन मिलाओ। सच्ची मोहब्बत करने वालों की शादी कराओ, अपनी लैला का जो प्यार नहीं पाएगा एक नया मजनू जहां से चला जाएगा। सोचो तुम, सोचे हम, we'll be right back.
सोचो तुम, सोचे हम, सोचो तुम, सोचे हम। अबे ऐसी गंदी औरतों के पास जाएगा तो ऐसी गंदी बीमारियां लेके आएगा, और तुझसे जो बदकिस्मत लड़की शादी करेगी ना वो तेरे कोड़ में घुल के मर जाएगी। आहिस्ता बोल पहलवान चाचा, किसी ने सुन लिया तो मरने की नाक कट जाएगी। अबे मैं तुझे कुछ थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो अपनी दवाइयों की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, पब्लिसिटी। पहलवान चाचा, अरे तुझे कितनी बार कहा कि मुझे गामा चाचा कहा कर। गामा चाचा जल्दी चलिए मेरे साथ, रूपा बुला रही है आपको। ऐसी क्या जल्दी आ गई रूपा को, आप चलिए ना, रास्ते में बताती हूँ। खैर चलता हूँ, इसकी दवा तो बना दूँ। इसे क्या हुआ? अब ओके के अब बात दरअसल ऐसी है कि ये गया था एक फिल्म देखने गुप्त ज्ञान, मन्ने सीढ़ियों से धड़ाम नीचे गिर गया और मन्ने के गुप्त इलाके में ढेर चोट आ गई। ए पहलवान पैसे कितने हुए? पैसे हुए रुपये 50। 50? पर पहले तो तय मुझसे सिर्फ 5 रुपए लेता था। पहले ये छोरी नहीं थी ना यहाँ? ओ ये छोरे, तय काम कर, तय आगे के जा, मन्ने इनको तय के पिछवाड़े में भेजू, चल जा। अब ये ले तय के पूरे 5 रुपए। सुनो नहीं 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 सुनो, मन्ने की पुड़िया दे ले, मन्ने ठीक तो हो जाऊं? हाँ हाँ, खुद ब खुद गिर जाएगी गल के। अच्छा आए। बहुत ही सुशील और सुंदरी है आपकी कन्या चौधरी साहब, अब जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवाइए, हमारे तरफ से तो हाँ ही है। अबे टिंगू, अबे टिंगू क्या बात है, क्यों रो रहा है? अबे बात क्या है, मुंह से कुछ फूटेगा सही? मेरा आधा सर आपके आधे मुंह भर गए। अबे क्या बकवास कर रही है? रूपा को देखने के लिए वो आने लग गए। तू रो मत, तू रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ Thank you.
आइए आइए घनश्याम जी, मैं तो कब से आप ही की राह देख रहा था। घनश्याम जी, चौधरी हम भी किसी और राह से निकल जाते तो कितना अच्छा होता, तुम्हारा मुंह तो नहीं देखना पड़ता। ऐसा क्या किया है मैंने? ये अपने दिल से पूछो, जमाने भर की बदनाम बेटी तुम्हारी हमारे गले बांधने चले थे, एक बार घर से भाग चुकी है और सुना है कि वो लड़का भी इसी गांव में आकर रहता है। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि हमें साफ साफ बता देते शादी के बाद अगर? अच्छा, क्यों मुंह खराब करते हो, जिनके यहाँ जाना है अब वहां का लगन भी खराब होगा। चलो बस बहुत हो गया चौधरी साहब, आज तक मैं बर्दाश्त करता रहा मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगा। क्या है तुम्हें हमारे मामले में दखल देने का? क्या लगते हो तुम हमारे? रिश्ता क्या है हमारा तुम्हारा? ये मेरे बापू है, चाहे मेरी जान क्यों ना ले ले, लेकिन तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? निकल जाओ यहाँ से। क्यों हमारा घर बर्बाद करने पर तुले हो तुम? क्यों इस गांव में डेरा डालकर बैठे हो? मैं तुम्हारी खुशी के, मेरी खुशी के लिए? क्या खुशी दी है तुमने मुझे? नायक बना दिया है मेरी जिंदगी को। अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो छोड़ दो ये गांव, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मेरी जिंदगी से। अब मैं एक पल के लिए भी तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकती। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। जवाई मास्टर कहाँ चल दिए? मैं जा रहा हूँ, ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ। देखो मिस्टर, जब तक ये रूपा का मामला ठिकाने नहीं लग जाता तुम ये गांव छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे फैसला तुम्हारे हक में हो या तुम्हारे खिलाफ हो। फैसला सिर्फ रूपा के हक में होना चाहिए, जिसमें उसकी खुशी हो उसकी मर्जी हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुमको अपनी इज्जत अपनी गैरत की परवाह नहीं ना सही, लेकिन मुझे है। इतना तैश मत खाओ चाचा, ऐसी झूठी हेकड़ी के लिए चौधरी ने अपनी बेटी का जीना हराम कर दिया। और अब कान खोल के सुन, तो इस गांव को छोड़ के नहीं जाएगा। गुस्सा मत खाओ चाचा, मैं सबके भले के लिए कह रहा हूं, उसे जाने दो। देखो चाचा,
उस दिन तुमने भरी पंचायत में मुझे बेटा कह के बुलाया था। तुमने शायद भूल से कह दिया हो या जोश में आके, लेकिन मैंने उसे सच मान लिया। अरे गोली मार इस बाप बेटे के रिश्ते को। यहां से जाना है ना, पहले मुझसे फैसला कर। तेरा गांव छोड़ के भागना रूपा और मोहब्बत के लिए तेरी कुर्बानी नहीं है, तेरी बुजदिली है बुजदिली। हाथ उठा, मुझ पर हाथ उठा साले, हाथ उठा। बेटा कहकर तुमने मेरे हाथों को बांध दिया है, चाहे तुम मेरी जान भी ले लो, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। शेखर बेटा, आज अगर मेरा कोई अपना बेटा होता तो वो भी शायद मुझ पर हाथ उठा लेता, लेकिन मैंने इतना मारा तुझे और तूने फिर भी हाथ नहीं उठाया, मुझ पर बर्दाश्त कर लिया। बेटा अब तू जा सकता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, बस एक एहसान मेरे हाल पे कर दे बेटे। मैं हर पूर्णमासी को एक समाधि पे जाता हूं, वहां जाके दिया जलाता हूं, फूल चढ़ाता हूं, आज मुझे वहीं ले चल बेटा, ले जाएगा बेटे। हाँ चाचा। मेरी जवानी की सारी हसरतें इस समाधि में दफन है। मेरी भी एक रूपा थी, तुम्हारी रूपा की तरह। ये 30 साल पहले की बात है, मुझ पर भी वही गुजरी थी जो आज तुम पर गुजर रही है। उसने अपने मां बाप की मर्जी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, और मैं तुम्हारी तरह यह सोचकर चला आया जिसमें उसकी खुशी जैसी उसकी मर्जी। उसने शादी कर ली, जहां उसके मां बाप ने कहा था उसने शादी कर ली, लेकिन उसी रात को, सुहाग रात को, आत्महत्या कर ली उसने। मैंने शादी की नहीं, लेकिन इतना जरूर सोच लिया कि सुरेखा की तरह किसी रूपा को अपनी आंखों के सामने फांसी के फंदे पे झूलता नहीं देखूंगा। इसीलिए कहता हूं तुम मत जाओ बेटे, रूपा के लिए ये फांसी का फंदा छोड़ के मत जाओ बेटे, मत जाओ। उन्होंने किसी से पूछे बिना ही शादी का न्योता छपवा लिया। क्या कह रही हो? आप जाके कम से कम इतना तो पता कीजिए कि लड़का कौन है। चाहिए ये कार्ड जाके बांट दो। जी अंकल जी। ये किसकी शादी के कार्ड बांट रहा है? रूपा की शादी के। और ये नहीं पूछा कि लड़का कौन है? तुम्हारे सामने खड़ा है आत्माराम। ये जमाने भर का लुच्चा, तू पागल हो गया है क्या? जो लच्छन है तुम्हारी पोती के वो सारी दुनिया जानती है, कौन शरीफ आदमी उससे शादी करेगा? यही शुक्र करो कि वो सारी उम्र कवारी नहीं बैठी रहेगी। इसी कुएं में ढकेलने के लिए पाल पोस कर बढ़ा किया था उसे। उल्लू के पट्टे तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या दिख रहा है? क्या दबाओ यहाँ से। अंकल पहला कार्ड खास आदमी को देना चाहिए ना, मुहूर्त किसे करूं?
वो मैं जानता हूँ। रामा घर में है? हाँ है, लेकिन आज उनका मौन व्रत है। नहीं बैठने नहीं, सिर्फ ये कहने आया हूं कि घर में आज खुशी का मौका है। तुम तो हमारे खास रिश्तेदार हो ना, तुम्हें कैसे बुलाया जा सकता है? आज रूपा की शादी कर रहा हूं। लड़का सुशील है, अपनी ही बिरादरी का है। आत्माराम। अरे जो बदकिस्मत लड़की तुझसे शादी करेगी ना, तेरे कोड़ में घुल घुल के मर जाएगी आत्माराम। है ना खुशी की बात, शादी में जरूर आना। चौधरी तुम अच्छी तरह जानते हो कि 30 साल के अंदर मैंने अपना मौन व्रत कभी नहीं तोड़ा, लेकिन आज मैं चुप नहीं रह सकता हूं। चौधरी रूपा मेरी बेटी की तरह, तुम आत्माराम से उसकी शादी नहीं कर सकते, उसे बहुत गंदी बीमारी है। चौधरी कल तक मेरी लड़की की बुराई करके रिश्ते तोड़वा रहे थे, और आज जब बस नहीं चला तो लड़के की बुराई शुरू कर दी। चौधरी चौधरी आत्माराम का इलाज मैंने अपने हाथों के साथ किया, उससे बहुत घिनौनी बीमारी। रूपा की शादी अगर उससे हो गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो उसके कोर में घुल घुल के मर जाएगी। चौधरी चौधरी नहीं। धमकियों का असर नहीं हुआ तो अब पैरों पर गिरकर औरतों की तरह आंसू बहा रहे हो? बहुत कमजोर निकले पहलवान। मैं पड़ता हूं चौधरी, चौधरी 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 नहीं, चौधरी नहीं, चौधरी नहीं, चौधरी चौधरी। रोमा चाचा, पत्थर पर सर पटकने से कुछ नहीं होगा, यह शादी नहीं होगी। मैं रूपा को बेमौत मरने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। वो गलती हो तो बर्दाश्त कर लो, मैं बापू के पांव पड़ के मिन्नत कर लूंगी। देख बेटी,
गणेश की मूर्ति हाथ में है, दो मूर्ति है, और अगर फेंक दो तो मिट्टी के ढेले से ज्यादा कुछ भी नहीं। तू बहुत इज्जत कर चुकी अपने बाप की, अब उसकी बारी है। और वो अगर नहीं समझता तो भूल जा, जा जल्दी जा, जा। जरा सोच, इससे बड़ा पाप और क्या करेगी तू, कि तेरा शरीर किसी और के पास होगा और मन किसी और के पास। जी, ऐसा तो वेश्याएं भी नहीं करती बेटी। मैं तुझे शेखर के पास लेके चलती हूँ। मर्द होकर औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अब कोई कसर बाकी मत छोड़। अपनी बेटी को तो तू जीते जी मार ही रहा है। अब हम दोनों का भी गला घोट दे ताकि अकेला यहाँ शांति से जी सके। इनसे कुछ मत कहो माँ, ये कुछ नहीं सुनेंगे। ये आज तक अपनी मनमानी करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये मर्द है, इसलिए इनकी नजरों में औरतों की कोई वक्त नहीं। वरना कैसा हो सकता है कि मेरी अपनी बेटी की शादी और मुझे ये तक नहीं मालूम हो कि दूल्हा कौन है? क्या मेरी अपनी बेटी पर मेरा कोई हक नहीं? आखिर मैं इसकी माँ हूँ। माँ माँ कहती हो अपने आप को, और लक्षण ऐसे सिखा रही हो अपनी बेटी को कि जिंदगी भर किसी को मुंह ना दिखा सके। मुंह दिखाने की नौबत तो तब आएगी जब ये जिंदा रहेगी। तुम शादी के नाम पर इसे जिस मंडप में बिठा रहे हो वहां इसे सिर्फ मौत के फेरे लेने होंगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी की मौत नहीं बर्दाश्त कर सकती। 9 महीने अपनी कोख में रखकर अपने खून से सींचा है मैंने इसे। मुझे मालूम है कि बाप का फर्ज और प्यार क्या होता है। क्या मालूम है तुम्हें? क्या तुम नहीं जानते कि रूपा शेखर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती? अभी क्या कमी है शेखर में? वो हमारी रूपा से इतना प्यार करता है कि अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठा है। लेकिन आप अपनी जिद के खातिर ये शादी नहीं करना चाहते। यही समझ लो कि मैं अपनी जिद की खातिर ये शादी नहीं करना चाहता। फिर भी आप इसे प्यार कहते हैं? नहीं, ये बाप का प्यार नहीं, एक मर्द का झूठा अहंकार है। प्यार ही सीखना है तो रूपा से सीखो, जिसने अपने बाप की झूठी जिद की खातिर अपने प्यार तक की कुर्बानी दे दी। आप बस भी करो, वरना क्या कर लोगे? तमाचा तो मार ही चुके हो, अब जान से भी मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, गला घोट दो मेरा, मार। मन्ने से बोला है देखो तो ताय रूपा के साथ कैसे शादी करे है। किसकी मजाल है जो कोई आज रूपा की शादी होने से रोक सके? मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरा फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। रूपा बेटी आ गया। पंडित जी लगन की तैयारी कीजिए। Thank you.
क्या है? हाँ, मेरी रूपा की शादी शेखर से होगी। शकुंतला, कभी कभी आदमी अपने अहंकार और गुमान में इतना अंधा हो जाता है कि उसे भले बुरे में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। भला हो तेरी ममता का, आज तूने मुझे बाप होने का फर्ज याद दिलाया। नहीं अंकल, नहीं, तैं ऐसा नहीं कर सकता। रूपा की शादी तो मन्ने के साथ ही होगी। जब कार्ड में मन्ने का नाम लिखा है तो मंडप में मन्ने बैठेगा। देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इनकी खुशी मत छीनो। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं और मैं वादा करता हूं कि अच्छी से अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगा। देखो अंकल, मन ने ठहरा मोटी बुद्धि का आदमी, एक बार जो मन में ठान ली वो ठान ली। अगर रूपा किसी की होगी तो मन ने की होगी। देखता कौन भाई का लाल मुझे रोकता है। हरामखोर, तेरी ये हिम्मत, मैं रूपा का बाप हूं, जहां जाऊं उसकी शादी करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। चलो ये खून तो लगातार बह रहा है। अरे खून बहना तो मर्दानगी की निशानी है बेटा, लेकिन तुमने असली मर्दान की निशानी जो है ना हमारी मूछें ना, ये कटने से बचा दी। रामा, अपने हाथों से मेरी बेटी का कन्यादान करके मुझे कृतार्थ कर दो। अजी कन्यादान आप दोनों में से जो चाहे वो करें, लेकिन बहू को हम बिना दहेज घर लेकर जाएंगे। हाँ कहो ना, बोलती क्यों नहीं। हाँ, बिना दहेज के ले जाएंगे।